पिछले दिनों सुर्खियों में रही शिमला की संजौली मस्जिद एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गई है। नगर निगम शिमला के आयुक्त की कोर्ट ने मस्जिद की 3 मंजिलों को अवैध करार देते हुए इसे 2 महीने में गिराने का आदेश दे दिया था। कमिश्नर MC शिमला लंडन कोर्ट के ऑर्डर हुए थे 3 मंजिल गिराने के लिए, तो उसमें 3 मंजिल ऊपर की गिराने के लिए, तो उसमें इन्होंने जो है प्रेजिडेंट मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को लिखा था कि भाई हमारे को इसको हटाने की परमिशन दी जाए। वैसे तो ये कोर्ट के ऑर्डर थे, इसमें परमिशन की वो तो नहीं थी, फिर भी इन्होंने एक लेटर लिखा था, तो वो लेटर हमने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड में उसको इनको NOC दे दी है, और इनको शनिवार को NOC दे दी गई थी। तो आज जैसे पता लगा है कि वो छत उठा रहे हैं, मतलब उन्होंने तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। जिस चीज़ पे झगड़ा था, अगर वो झगड़ा ही ख़त्म हो गया तो शांत होना चाहिए। कमेटी जो है हिमाचल प्रदेश में कई तरह की कमेटियां हैं, मुस्लिम की ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर कमेटी जा रही है तो वो इस कोर्ट के अगेंस्ट जा रही है या कैसे जा रही है वो उनका अपना फैसला है, लेकिन इस कोर्ट में वो पार्टी नहीं थे। अगर वो कोर्ट में जाते हैं जा रहे हैं तो वो उनका अपना निजी फैसला है। लगभग 15 दिन बाद यानी 21 अक्टूबर सोमवार को मस्जिद कमेटी ने इसके अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूं। जो उन्होंने वॉलंटरीली तरीके से अवैध जो भवन है और उसके जो अवैध पोर्शंस है, जो 3 फ्लोर है, उसको डिमोलिश करने का जो फैसला है उसको अमली जामा आज से पहनाना शुरू किया है। मामला क्योंकि कोर्ट में है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, तो वहां पे वो इसकी अर्जी डाले कि हमको इसमें एक्सपेंशन ऑफ समय चाहिए, तो वहां पे इसका फैसला लिया जाएगा। मगर मेरा इसमें कुछ कहना मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। बाकी मेरा तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें, इस तरीके की कोई भी परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में खराब हो। प्रदेश को हमें आगे लेकर जाना है और प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा हमको करनी है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र से है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, हमने सब लोगों के हितों को देखना है और उनकी पैरवी करनी है। आपको बता दें कि हाल ही में शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.